दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। तो कोरोना महामारी के काल में आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से अलग अलग जगह के ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े हैं। बच्चों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी स्कूल्स अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं तमाम कि बच्चे किसी प्रकार से बोर ना हो, उन्हें किसी प्रकार की पढ़ाई में दिक्कत ना आए। क्योंकि ये जो कोरोना का लॉकडाउन है, ये हो सकता है कि 3 मई के बाद कुछ थोड़े समय के लिए खुल जाए, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल, इनके लिए तो लॉकडाउन बहुत लंबा रहने वाला है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा किसी प्रकार से रुके ना, इसलिए तमाम स्कूल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए टांग शिक्षा निकेतन अजमेर की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर लविका टांग, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैडम, एमपीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुशील, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले तो मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर भी हैं, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगा इस वक्त सब परिवार में सही हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। हम लोग बहुत ढंग से प्रिकॉशंस ले रहे हैं हर चीज़ का, और जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार फोकस किया जा रहा है, तो उस चीज़ पे भी प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। तो अगर हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो इन दैट केस के सब विल है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना के दौरान जो पढ़ाई है वो तकनीकी तौर पर कितनी मजबूर हो गई है, और इस वक्त आप लोग किस तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग अपने बच्चों को एजुकेशन पहुंचा रहे हैं इस वक्त? देखिए सुशील जी, जैसे कि आपने बोला है कि कोरोना का टाइम है, तो काफ़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें चेंजेस आए हैं बहुत जगह। एज हम स्कूल्स को देखें तो काफ़ी, जैसे हमारा जो सेशन होता है वो 1 अप्रैल से रन होता है CBSE स्कूल्स में, बट एकदम से सडन चेंजेस जो रहे उस हिसाब से हम लोग सेशंस नहीं स्टार्ट कर पाए। बट फिर भी हम लोगों ने, स्कूल्स ने काफ़ी चेंजेस किए हैं ताकि ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये बच्चे कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर सकें। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिजिटल क्लासेस स्टार्ट की हुई है, ऑनलाइन ऐप के थ्रू हमारी क्लासेस रन हो रही है, एंड डेली बेसिस पे बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग बच्चों को ऐप हमने प्रोवाइड करवाया है, तो अभी एट दिस टाइम पर 24 आवर्स जो है बच्चों के लिए एक तरह से फ्री है। तो उस टाइम पीरियड में बच्चा जब भी फ्री होता है, पेरेंट्स जो है वो उस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए, होमवर्क देखते हुए और बच्चों का वो टाइम यूटिलाइज करवा रहे हैं। इस पीरियड में कहीं ना कहीं ब्रशिंग सेशन चल रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं 100% जो अकेडमिक होता है वो चीज़ इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज एक स्टूडेंट जब है इंट्रैक्ट नहीं कर पाते टीचर्स से, तो 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बट भी उसके अलावा जो फिर भी एक ब्रशिंग पोर्शन रहता है वो काफ़ी तक चल रहा है। अच्छा, मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के बाद एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं वो हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए काफ़ी चेंजेस तो आएंगे ही, जैसे कि एकेडमिक कैलेंडर जो रहता है CBSE का, वो 1 अप्रैल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया रहता है, राइट। तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस रहेंगे। देन देखिए, जब हमारा जब सेशन स्टार्ट होता है तो कुछ ट्रांसफ़र केसेस रहते हैं, उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो अब हमारे हिसाब से जब सेशन ही लेट हुआ है तो उस इसमें, और जब गवर्नमेंट ने ये हम लोगों को ऑर्डर दे दिए हैं कि जो सिर्फ बोर्ड क्लासेस हैं उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाए, उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आगे प्रमोट किया जाए, तो ऐसे इस केस के अंदर जो ट्रांसफ़र केसेस भी रहेंगे उनको उनकी पुरानी ग्रेडिंग के हिसाब से विदाउट एंट्रेंस एग्जाम ही हम लोगों को पोजिशन देनी रहेगी। इस टाइप के काफ़ी चेंजेस रहेंगे, इस तरह के काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है जो कोरोना से बचा रहा है लोगों को, अगर इसकी पालना बहुत लंबे समय तक करनी पड़ी, यानी कि मान लीजिए साल भर तक चला, तो स्कूल और कॉलेज ये किस तरीके से चलेंगे यहाँ पे? तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाएगा, यहाँ की व्यवस्था जो होगी क्या उसमें
बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग होता क्या है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये एक सबसे बेसिक पॉइंट है, राइट। उसके बाद हम स्कूल्स को देखें तो देखिए, स्कूल्स में फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 3 हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 साल से बच्चे जो रहते हैं वो हमारे पास रहते हैं। तो एक जो एक लर्निंग कैपेसिटी होती है वो स्टूडेंट्स में काफ़ी डिफरेंट होती है। तो हमें बेसिकली अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से देखते हुए स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग होता क्या है। देखिए, जैसे हम लोग अगर प्री प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को देखें तो उस एज ग्रुप में हम लोग बेसिकली जो प्री प्राइमरी है, प्राइमरी स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम लोग बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाय थ्रू एक्सरसाइज कि आप अपने हैंड्स जो हैं वो स्प्रेड करिए, उससे क्या होता है बच्चे का एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है, राइट। नेक्स्ट चीज़ हम लोग उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक पोएट्री के थ्रू कि स्प्रेड योर विंग्स। स्प्रेड योर विंग्स से थ्रू बच्चों को आइडिया रहता है कि हमको हमारे हाथ स्प्रेड करने हैं। जितना बच्चा अपना हाथ स्प्रेड करेगा उतना ही डिस्टेंस उसको अपने फ्रेंड सर्कल से रखना है। इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम लोग एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स की। तो वहाँ एक बच्चे का जो कैपेसिटी है, जिसको हम बोल सकें कि उनका जो थिंकिंग पावर है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। तो वहाँ हम बच्चों को जो है वो हम सिवियरिटी कितनी है डिजीज़ की उसको बताते हुए बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। पहली चीज़ तो ये। नेक्स्ट चीज़ देखिए, हम लोग काफ़ी जो है हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे आप ये देख लीजिए कि जब मॉर्निंग आवर्स रहते हैं, जब स्कूल स्टार्ट होता है, राइट, तो उस केस के अंदर क्या होता है, एक कॉमन पाथवे रहता है स्टूडेंट्स का एंट्रेंस का। ये बच्चे का जब मॉर्निंग का एंट्रेंस टाइम होता है तब और डिपार्चर टाइम में देखा जाता है। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि एक साथ गैदरिंग रहती है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स खुद ही बच्चों को छोड़ के जाते हैं स्कूल्स में, कुछ बच्चे वैन्स या बसेस के थ्रू आते हैं, राइट। तो उस केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स खुद बच्चे को लेने छोड़ने आ रहे हैं हम उनका टाइमिंग 15 मिनट्स अर्ली या 15 मिनट्स डिले कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जो एंट्रेंस रहता है हमारा पाथवे जो रहता है वहाँ गैदरिंग कम से कम होगी और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखिए, जब क्लासेस में देखा जाता है तो क्लासेस में स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, राइट। वहाँ हम लोगों को होता क्या है जनरली स्कूल्स के अंदर कि एक रोटेशन पैटर्न फॉलो किया जाता है जनरल वे में, राइट। तो अभी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि एक पोजीशन फिक्स कर दी जाए स्टूडेंट्स की कि आपको यहीं आके बैठना है। उस केस में क्या होगा, पोजीशंस फिक्स रहेगी तो बच्चे का एक कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। बच्चों को हम लोगों को सैनिटाइजर्स की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, उनको कैरी करना बताना पड़ेगा कि आपको सैनिटाइजर्स कैरी करना है, बिकॉज स्कूल्स में पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चा बार बार सोप और वाटर से हैंड वॉश कर सके, है ना। तो उस केस में बच्चा अगर सैनिटाइजर्स कैरी करेगा तो बच्चा इजीली कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। तो मतलब कुल मिला के जैसे बच्चों के बैग में पानी की बोतल और टिफिन साथ में होता है, किताबें होती हैं, ठीक उसी तरीके से अब उनके साथ में मास्क और सैनिटाइजर भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये इस लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स क्या पढ़ाई को पूरी तरीके से कर पा रहे हैं, या ये जो बदलाव है उनके बीच इस वक्त एकदम से आया है इसको वो स्वीकार कर पा रहे हैं क्या? अभिभावकों के क्या रुझान आ रहे हैं आपके आपके पास? देखिए, जैसे हम लोग पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहते हैं, हम लोग अराउंड 15 डेज के अंदर पेरेंट्स से कांटेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अराउंड जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो तो देखिए काफ़ी हद तक इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम रहती है। पर स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि किसी भी वे में, लाइक आप एक प्लेइंग वे के अंदर या किसी भी वे के अंदर बच्चे को जो हम लिमिटेड होमवर्क दे रहे हैं एटलीस्ट बच्चा वो कर सके। सो कहीं ना कहीं बच्चे का जो एक ये टाइम पीरियड है ये यूटिलाइज हो जाएगा। यूटिलाइज ये हो जाएगा, बिल्कुल। एक रिपोर्ट मुझे प्राप्त होती हुई थी, उसके अंदर एक बात का जिक्र किया गया था कि इस वक्त बच्चे मोबाइल पर और कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, पढ़ाई के बाद गेम भी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो मैं एक बात और समझना चाहूँगा, क्या बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है किसी प्रकार का या नहीं? समझदार हो रहे हैं बच्चे, समझ रहे हैं इस बात? देखिए, दोनों तरफ से इसको हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बच्चा एक टेक्नो फ्रेंडली भी हुआ है।
जैसे कि हमने डिजिटल क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है, तो जो बच्चे टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे कहीं ना कहीं वो बच्चे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। एंड हम दूसरा इसका एस्पेक्ट देखें तो इसका एक गलत वे भी जा रहा है, बिकॉज पेरेंट्स से कंप्लेन रहता है कि मैम बच्चा पढ़ाई करने के साथ साथ दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। लाइक आप देख सकते हैं कि आजकल जो है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूम ले रखा है सोशल मीडिया ने, तो कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंट्स के या जिन एज ग्रुप के अंदर हम लोग सोशल मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, बच्चे वहाँ भी उस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट उनका हो रहा है। तो हम दोनों एस्पेक्ट इसके देख सकते हैं, हम लोग कहीं एक पर इसको नहीं फोकस कर सकते हैं। क्या आप ये मान रही हैं कि अब जब स्कूल्स दोबारा खुलेंगी तो बच्चों के बीच में कोरोना को लेकर एक नई तरीके की एजुकेशन उनको रोज देनी होगी? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो एरिया रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा गैदरिंग रहती है, एंड वहाँ हम लोगों को अगर हम बच्चों को इन्फॉर्म नहीं करें, बच्चों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट नहीं करें, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। सो उस केस के अंदर हम लोग जैसे अलग एज ग्रुप के हिसाब से हम देख सकते हैं, जैसे हम लोग प्री प्राइमरी की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग स्टूडेंट्स को बता सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वहीं साथ में हम लोग बच्चों को ये बोल सकते हैं कि लाइक आपको जो हैंड वॉश करना है वो जैसे हम लोग बात करते हैं 20 सेकेंड्स तक हम लोगों को हैंड वॉश करना है, तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी जब बच्चे घर पर हैं तो उनको एक्सप्लेन करें, उनको जैसे पोइट्री रिसाइट करने को दें, वो बच्चा पोइट्री रिसाइट करता करता जब हैंड वॉश करेगा तो उस केस में हमारा डबल पर्पज सॉल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, और 20 सेकेंड में जब तक उसका पोइट्री ओवर होगा तब तक उसका हैंड वॉश प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा जो 20 सेकेंड वाला जो क्राइटेरिया है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चीज़ जैसे कि हम लोग बच्चों को डॉल्स या पपेट्स के थ्रू उनको सिम्टम्स का शो कर सकते हैं, उनको सिम्टम्स बता सकते हैं, कफ कोल्ड के सिम्टम्स जो रहते हैं हम उनके थ्रू उनको डिपिक्ट करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज छोटे स्टूडेंट्स रहते हैं इन्हीं चीज़ों से बच्चा समझ सकता है। हम लोग प्राइमरी के स्टूडेंट्स देखें तो वहाँ देखिए हम उनको स्प्रेड ऑफ डिजीज़ के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बिकॉज वो एज ग्रुप ऐसा होता है जब बच्चों में लर्निंग की जो ईगरनेस होती है, चीज़ों को जानने की ईगरनेस वो काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब बच्चा जानना चाहता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, राइट। तो जैसे हम स्प्रेड ऑफ उनका ट्रांसमिशन उनको बता सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग लाइक हम लोग एक स्प्रे बॉटल के अंदर कलर डाल सकते हैं, देन हम वाइट पेपर के ऊपर उसको स्प्रे करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही हम उसको स्प्रे करेंगे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड होती है, तो हम वैसे ही बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स से वो ऐसे होते हैं कि काफ़ी दूर तक जो ड्रॉपलेट्स है वो ट्रैवल करती है, हम इसके थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज व्हाट वी कैन डू इज कि हम इन बच्चों को अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि वॉशिंग ऑफ योर हैंड्स टेक्निक, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग बच्चों के हाथ में स्पार्कल डाल सकते हैं, देन उनको हम लोग बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपने हैंड वॉश करिए नॉर्मल वाटर से। जैसे ही बच्चा अपना नॉर्मल वाटर से हैंड वॉश करता है तो सारा स्पार्कल उसमें से वॉश आउट नहीं होता है। बाय दिस हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए आपने जब अपना नॉर्मल हैंड वाटर यूज़ किया है तो सारा इन्फेक्शन नहीं जाता है, उसके बाद जब हम लोग यूज़ ऑफ सोप लेते हैं और तब हम लोग अगर वॉश करते हैं हैंड्स को तो वहीं 20 सेकेंड्स के बाद वो सारा जो स्पार्कल होता है वो बच्चे के हाथ से वॉश आउट हो जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पेरेंट्स अपने घर पर बच्चों को ये सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है या जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है या वाटर जो वाटर टेक्निक है बच्चों के लिए हैंड वॉशिंग टेक्निक है वो कितनी फ्रूटफुल है और या वो कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप जिस अंदाज में बता रही हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे और जो अभिभावक हैं वो इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे। मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि स्कूल्स कहीं कोरोना के दौरान अभी जब महामारी चलेगी और उसके बाद लॉकडाउन 3.0 आएगा या नहीं आएगा ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन स्कूल्स के लिए जो भी अगले आदेश आएंगे तो आप लोगों की क्या योजना है स्कूल खोलने को लेकर, किस तरीके से आप लोग स्कूल्स जब खुलेंगे तो आपकी व्यवस्था क्या रहेगी, किस तरीके से आप लोग बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे? देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये प्रेफर करेंगे कि जैसे ही स्कूल्स रीओपन होते हैं हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से, हम लोग पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे पेरेंट्स से एंड इवन स्टाफ मेंबर्स से कि अगर उन्हें थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं
सो प्लीज़ बच्चे को आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाइए और थोड़े दिन घर पर ही रखिए, बिकॉज हो सकता है कि एक बच्चे की वजह से ये स्प्रेड हो सके प्रॉब्लम. सो उस केस में हम लोग पेरेंट्स को गाइड करेंगे थोड़ा सा. नेक्स्ट चीज़ देखिए, हम लोग जैसे कि लंच टाइमिंग होता है, तो लंच टाइमिंग में बेसिकली गैदरिंग रहती है और वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा एक अपने स्टडीज़ को थोड़ा सा ब्रेक देकर और इन्जॉय करना चाहता है. तो उस टाइम पीरियड में थोड़े टाइम के लिए बच्चों को एक्सप्लेन कर हम लोग क्लासेस में ही लंच करवाएंगे ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ये स्प्रेड ना हो प्रॉब्लम. नेक्स्ट चीज़ देखिए, जैसे कि आपने देखा 8 पीरियड्स होते हैं इन अ स्कूल. सो एक जो है बॉडी मूवमेंट को कम करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि पर डे हम 2 सब्जेक्ट्स का ही स्टडीज स्टार्ट करें. लाइक जो फर्स्ट 4 पीरियड्स होते हैं उसमें हम सिंगल टीचर का ही इन्वॉल्वमेंट रखें पर क्लास एंड पर सब्जेक्ट, एंड जो सेकेंड हाफ होता है उसमें भी हम नेक्स्ट टीचर का ही इन्वॉल्वमेंट रखें. इससे क्या होता है, कम से कम बॉडी मूवमेंट होगा, कम से कम इन्वॉल्वमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो भी कम होंगे. इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगे. और जिस तरीके की आप प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अजमेर के जो बाकी के तमाम स्कूल और कॉलेजेस हैं ऐसी ही उम्मीद कर रहे होंगे, ऐसी ही योजना के ऊपर काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनको भी करनी चाहिए. और मुझे लगता है जो नहीं कर रहे हैं स्कूल उनको ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए, उनको अपने यहाँ पर स्कूल और कॉलेज के अंदर ऐसी योजनाओं के ऊपर काम करना चाहिए. चलते चलते एक आखिरी और मैं कमेंट आपसे चाहूँगा कि अजमेर वासियों के लिए आपका कोई खास संदेश, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं. देखिए सुशील जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, देन जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है एंड जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको, कि हम लोग सल्यूट करते हैं उनको कि इस टाइम पीरियड पे जब सब लोग अपने प्रिकॉशंस रख रहे हैं तब ये डिपार्टमेंट्स जो है ये आगे बढ़कर कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एंड बहुत हम लोगों को इस जो सारा चीज़ चल रहा है वर्ल्ड में उसके बारे में हम लोगों को आइडिया प्रोवाइड करवा रहे हैं या हम लोगों को गो थ्रू करवा रहे हैं डे टू डे में. नेक्स्ट चीज़ मैं अजमेर के लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब ये इतने डिपार्टमेंट्स हमारी हेल्थ के लिए आगे बढ़ रखे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें, एंड जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है, तो प्लीज़ उसका फॉलोअप करें. बिल्कुल, जान है तो जहान है, और इस बात को सभी को समझना और ध्यान में रखना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन में अपनाना ही होगा. और जिस तरीके से डॉक्टर लविका भी बता रही थी कि किस तरीके से स्कूल के अंदर बच्चों को अब नई तरीके की एजुकेशन उनको देनी होगी, उनको कोरोना से बचाने के लिए कई उपायों पर काम करना पड़ेगा और इसके लिए पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए अभी से सभी को जुड़ जाना चाहिए. एमपीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम. Thank you so much.